ब्रजभूषण बोले, मुझे कांग्रेस से ऑफर आया, बोला गया कि मैडम से बात हो गई है, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि उनके पास कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया था। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि ब्रजभूषण सिंह से संपर्क कर लीजिए, कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा देंगे। मैडम से बात हो गई है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, न मैं बूढ़ा हुआ न रिटायर हुआ हूँ, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ। आप लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ, अब दोगुनी ताकत के साथ काम करूंगा, मुझसे लड़कर कोई जीत नहीं पाएगा, मेरे पास मैन पावर है, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, मेरा केस खत्म हो जाएगा, ये सब झूठे आरोप हैं। जिस दिन केस खत्म होगा उसी दिन हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, ये गोंडा की कचहरी आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगेंगे। मेरा विरोध इसलिए क्योंकि मैं कमजोरों का साथी। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसे ब्रजभूषण ने कहा, 500 किलोमीटर दूर बैठे ऐसे लोग जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, इनको मैं अपने पास से 1.5 लाख रुपए महीना देता था, वो मेरा विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कमजोरों का साथी हूँ, ये सब लोग मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीना पाते थे, ऐसा कोई पहलवान पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीना नहीं लिया हो, मैं कमजोर प्रांत से आए खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहा था, बस यही बात इन लोगों को पसंद नहीं आई। शाराना अंदाज में कहा, नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था। उन्होंने कहा, मैं झुका नहीं, लोगों ने मुझसे कहा आप कुर्सी से जुड़े रहिए, करण भैया को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाइए, बस यहीं से षड्यंत्र शुरू हो गया। मैं यहाँ से उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिसको तुमने कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, अब वो सांसद बनकर तुम्हारी छाती पर बैठेगा, अब आपको डबल सांसद मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आप लोगों की समस्याओं के लिए मैं अब लोगों से भी लड़ सकता हूँ, मुझसे लड़कर कोई जीत नहीं पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मेरे पास हैं। अब आपको डबल डबल सांसद मिलने जा रहे हैं। इससे पहले बुधवार को ब्रजभूषण ने कहा था, ये लोग यौन शोषण के मामले में षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मुझे मिटा देंगे, वो दिन अब दूर नहीं, इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। आज हम झेल रहे हैं लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि ये लोग भी झेलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।